नमस्ते। आर्ट ऑफ टैरो के स्पेशल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स की, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ओशो ज़ेन टैरो के कार्ड किंग ऑफ वाटर्स के साथ, जो कि हीलिंग के नाम से जाना जाता है। ये एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में हम हीलिंग के बारे में बात करेंगे, और आज की डेट में जो है हीलिंग बहुत पॉपुलर है, रेकी बहुत पॉपुलर है, तो बहुत लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि वॉट एक्चुअली रेकी इज़, वॉट एक्चुअली हीलिंग इज़। तो इस ओशो ज़ेन टैरो के माध्यम से आज जो है हम हीलिंग की भी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे किंग ऑफ कप्स की एक्सप्लेनेशन से। किंग जो है वो मेल प्रिंसिपल है राइडर वेट टैरो के अंदर, और उसको जो है हम जोड़े हैं कप्स के साथ। तो एक कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं मेल और फीमेल एनर्जीज़ का। सो एक मेल एनर्जी जब फीमेल एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है, वहाँ पे एक मर्ज होता है, वहाँ पे एक जो है यिन एंड यांग की स्थिति बनती है, एक परफेक्शन की स्थिति बनती है, एक अर्धनारीश्वर की स्थिति बनती है, जहाँ पे जो है आपकी जो मेल और फीमेल एनर्जीज जो हैं वो मर्ज हो रही हैं। राइडर विद टैरो के अंदर जब भी हम देखते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जीज जो हैं आपस में मर्ज हो रही हैं, वो कार्ड जो है हमारे लिए जो है वो पॉजिटिव सिद्ध होता है। वो कार्ड हमारे लिए जो है एक यूनियन का सिंबल है, एक योगा का सिंबल है। तो किंग ऑफ कप्स में भी हम वही बात देखते हैं कि जो मेल एनर्जीज़ हैं वो फीमेल एनर्जीज़ के साथ मर्ज हो रही हैं, और इस किंग के अंदर कैपेसिटी है बाहर के संसार में होने की, और साथ में भीतर के जगत में भी यात्रा करने की, कि बाहर के संसार को भी ये पा सकता है और भीतर के परमात्मा के साथ भी जुड़ सकता है। दोनों की जो है संभावना इसके अंदर दिखती है। किंग ऑफ कप्स अपने आप में बहुत प्रेम पूर्वक कार्ड है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत लविंग है, केयरिंग है, और अपनी तरफ से जो वो बेस्ट आपके लिए कर सकता है वो करता है। हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि ये एक बहुत एक इमोशनल फिगर है, और जिसका हार्ट चक्रा जो है एक्टिवेटेड है, जिसके लिए बहुत स्वाभाविक होगा प्रेम में जाना, और इस प्रेम की ऊर्जा के कारण ये बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उस प्रेम के कारण जो है लोग उसके साथ जो है जुड़ते हैं। तो ये किंग ऐसा है कि जो अपने जगत को, जो अपने संसार को जो है प्रेम के माध्यम से जीता है, जो अपने मन को हृदय की सेवा में लगाता है। तो एक ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी किंग ऑफ कप्स की। तो हम एपिसोड शुरू करते हैं किंग ऑफ वाटर की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि कार्ड ऑफ हीलिंग है। ये कार्ड हमें बताता है कि वक्त आ गया है कि जो भी आपके पुराने वूंड्स हैं, पुराने जख्म हैं, जो भी आपके पास्ट में आपको जो चोटें लगी थी, ये वक्त आ गया है कि उन वूंड्स को जो है हील करने का। तो किंग ऑफ वाटर्स हीलिंग कार्ड जो है वो मैसेज लेके आ रहा है हीलिंग का। हम कार्ड में देख सकते हैं दो हाथ दिखाए हुए हैं, और एक बॉडी जो है एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है, और उस हीलिंग प्रोसेस में कुछ ऐसा है कि जो शरीर है वो प्रकाश की किरणों से जो है भरा हुआ है, कि दोबारा से जो है वो शरीर जो है एक एग्जिस्टेंस के सोर्स के साथ जुड़ गया है, जहाँ से जो है उसके शरीर की जो है हीलिंग शुरू हो गई है। ये जो हाथ हम देखते हैं ये सिर्फ एक मीडियम है, इन हाथों के थ्रू हीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन इन हाथों को जो है मीडियम बना के जो है जो डीपर जो हीलिंग है इस व्यक्ति के साथ वो घट रही है। जब हम हीलिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जब कोई हील हो रहा है, ये वक्त ऐसा है जब उसने जो है अपने आप को पूरा उघाड़ के रख दिया है, पूरी तरह जो है अपने आप को खोल के रख दिया है। ये स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पे एक टोटल ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट की स्थिति में जो है हीलिंग घट रही है। एक चीज़ को याद रखिएगा, जब भी आपके अंदर डाउट होगा हीलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि डाउट कुछ ऐसी एनर्जी है कि जो आपको खाता है, जो आपकी एनर्जी को जो है घटाता है। इसलिए हीलिंग के प्रोसेस में ट्रस्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के थ्रू आप जो है एक हीलिंग प्रोसेस लेते हैं, उस व्यक्ति के प्रति जो है एक टोटल सरेंडर और ट्रस्ट चाहिए, अदरवाइज हीलिंग नहीं हो पाती है। ये दवाइयों के साथ भी है। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं और आपको लगता है कि पता नहीं ये काम करेगी कि नहीं करेगी, जब आप डाउट से खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करती है। जो चीज़ जो है दवाई से भी ज़्यादा जो है जो काम करती है वो है आदमी का ट्रस्ट। उस ट्रस्ट में जो है आदमी की पूरी ऊर्जा बदल जाती है, उस पॉजिटिविटी के अंदर जो है हीलिंग जो है अपने आप घटनी शुरू हो जाती है। आप उस सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ से हीलिंग होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर। और गुरु ओशो यहाँ पे बोलते हैं कि आप सब अपने जो वूंड्स हैं
आप सब अपनी जो चोटें हैं और जो आपको जो पास्ट में जो खरोचे लगी हैं, पास्ट में जो आपकी वूंडिंग हुई है, वो प्योरली आपके कारण है। किसी और ने आपको हर्ट नहीं करा है। आपने अपने आप को जो है इस पोजीशन में ले आए कि आप उस पोजीशन में आप हर्ट हो पाए। वो कहते हैं किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको हर्ट करने में लगे। हम सब जो हैं अपने वूंड्स को जो है बचाने के चक्कर में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको हील नहीं होने दे रहे हैं। तो वो ये कहते हैं द मैन ऑफ ताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि उस होल की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो हेल्दी है और वो हील्ड है। वो ये भी बताते हैं कि जो होल वर्ड है उससे दो शब्द और निकलते हैं, हीलिंग और होली। तो द मैन ऑफ ताओ की जो वो बात कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जब एक ऐसी पोजीशन में आता है जब उसके भीतर जो है एक पूरी हेल्थ घटती है, तो वो होली भी हो जाता है और वो होल भी हो जाता है, कि वो कंप्लीट भी हो जाता है अपने भीतर और उसके भीतर जो है एक संपूर्ण स्वास्थ्य जो है वो घटता है। और इस व्यक्ति को जो है आप नेगेटिविटी से नहीं टच कर सकते। इसके भीतर कोई वूंड नहीं है, इसके भीतर कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप हर्ट कर सकें। और ओशो जो है आपको इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपने भीतर जो है उस ऐसे सोर्स के साथ जुड़ जाएं जहाँ पे आपको जो है नेगेटिविटी टच ना कर सके, जहाँ पे जो है आपको डिजीज़, बीमारियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं टच ना कर सके। उस सेंटर में जब आप हैं तो सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं वो बाहर की तरफ हैं, वो शरीर की परिधि में है, लेकिन भीतर जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे सिंपली एक जो है एक हीलिंग प्रोसेस है आपके भीतर जिसको कोई नहीं टच कर सकता। तो जब आप अपने वूंड्स के प्रति, अपने घाव के प्रति जो है जब आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, उसके प्रति जो है कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये घाव जो है, ये जो वूंडिंग जो आपके भीतर घटी है वो बढ़ ना जाए। अब यहाँ पे जो हम वूंडिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ शरीर की वूंडिंग की बात नहीं कर रहे, मन की जो है वूंडिंग और भी ज़्यादा गहरी जाती है। मन के घाव कुछ ऐसे हैं जो सदा के लिए रह सकते हैं, शरीर की हीलिंग तो फिर भी जो है घट सकती है, लेकिन जो घाव जो मन के ज़रिए जो आते हैं आपके भीतर, जो क्रिएट होते हैं, जो आपकी ईगो के अंदर, जो आपकी ईगो के कारण क्रिएट होते हैं, वो सदा से जो है आपके अंदर जो है घाव छोड़ सकते हैं। तो उन घावों के प्रति अवेयर होना, उन वूंड्स के प्रति अवेयर होना, कॉन्शियस होना, और ये ध्यान रखना कि ये और बढ़े ना। और ये इसकी हीलिंग भी तभी हो पाएगी जब आप अपने रूट्स में जो है वापस जाते हैं। तो जब आपके अंदर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जब जो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आप जो है अपने माइंड के जो डाउट्स हैं, अपने माइंड को जो है थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उस डिस्टेंस क्रिएट करने में आप अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो पाते हैं। जितना आप सर के अंदर चले जाते हैं उतना जो है हीलिंग प्रोसेस जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो है अपने रूट्स के साथ जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप अपने रूट्स के साथ जो है कट जाते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर में जो है वापस आ जाते हैं, नेचुरल हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, इस प्रोसेस में जो है आपके साथ बहुत नेचुरल जो है एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के साथ। ओशो कहते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो अपने जीवन के साथ आप करके देख सकते हैं कि 24 घंटे जो भी आपके जीवन के साथ हो रहा है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लें, उसके साथ लड़े ना, उसके साथ बस हो जाए। उसके साथ ये मत कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, जो आपके साथ जो चीज़ें घट रही हैं उसके साथ जो है पूरी तरह से हो जाए। उस होने में जो है एक तरह का मैजिक घटेगा, उस होने में जो है आप एक ऐसी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे जो आपको जो है एक फ्लो में लेकर चली जाएगी, जो आपके जीवन में एक छंद लेकर आएगी, एक तरह का फ्लो लेकर आएगी। उस फ्लो के साथ जो है आप उस हीलिंग के साथ जुड़ते हैं। अब हीलिंग के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। हीलिंग अपने आप में एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस है और आज की डेट में हम बहुत सारे हीलर्स जो हैं हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहले एक बात ये समझने की है कि हीलिंग की कैपेसिटी जो है आप सब लोगों के अंदर है। हीलिंग कुछ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक या दो लोगों की बात है, सिर्फ कुछ चुने हुए लोग हैं सिर्फ वही हीलिंग कर सकते हैं, नहीं। हीलिंग की कैपेसिटी जो है नेचर ने आप सबको जो है बराबर दी है। और हीलिंग का कुछ प्रोसेस ऐसा है जो आपको समझने की है कि हीलिंग के प्रोसेस के अंदर जो व्यक्ति आपको हीलिंग दे रहा है, जो आपको इस प्रोसेस से गुजार रहा है, वो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि उसमें जो है उसको पूरी तरह से जो है एब्सेंट हो जाना है।
वो कहते हैं कि ये प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हीलर को जो है ऑलमोस्ट सुसाइड कर लेना है उस मोमेंट पे, कि अपने आप को बिल्कुल हटा देना है, अदरवाइज हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो हीलिंग जो है सबके बस की बात भी नहीं है। अगर आप हीलिंग किसी की करने जाते हैं और आपका मैं उसके अंदर मौजूद रहता है, आपका मन उसमें मौजूद रहता है, तो हीलिंग जो है उसके अंदर नहीं घट पाती है। क्योंकि एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो है अपने आप को बीच में से हटा देते हैं, आपका शरीर जो है उस वक्त इस्तेमाल होता है आप एक मीडियम की तरह, और आपके भीतर से आप देख पाते हैं कि एक ऊर्जा जो है आपके भीतर से एक फ्लो करती है उस व्यक्ति को हील करने के लिए। ये आपकी ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा जो है नेचर से आती है। आपका काम सिंपली ये हो रहा है, आप अपनी तरफ से सिर्फ उस ऊर्जा का जो सोर्स है दोबारा से जो है उस व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। ये ऊर्जा का सोर्स जो था ये उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति के गलत जीने के कारण जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हीलर का क्या रोल है? हीलर जो है दोबारा से उस ऊर्जा के साथ जो है इस व्यक्ति को कनेक्ट करता है, ताकि जो उसके भीतर की जो हीलिंग जो प्रोसेस है वो दोबारा से चालू हो सके। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हीलिंग का प्रोसेस में अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो हीलिंग तभी हो सकती है जब आप उस मोमेंट में टोटल सरेंडर, ट्रस्ट और लव के साथ जो है प्रोसीड करें। अगर उस मोमेंट में जो है आपके भीतर जो है ट्रस्ट की कमी है, सरेंडर नहीं है, तो हीलिंग नहीं घट पाती है। क्योंकि वो ट्रस्ट कुछ ऐसा है कि आपको पूरी तरह से अपने शरीर को छोड़ देना है। वो छोड़ना कुछ ऐसा है कि जैसे आपने अपने अपने आप को जो है पानी के ऊपर जो है फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया, और उस फ्लोटिंग के अंदर, उस ट्रस्ट के अंदर जो है हीलिंग का प्रोसेस जो है घटना शुरू होता है। इसलिए जो व्यक्ति भी हीलिंग में इंटरेस्टेड है, जो दूसरों को हील करने में इंटरेस्टेड है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि जब तक कि आप अपने आप को मिटाएंगे नहीं, जब तक कि आप अपने आप को ज़ीरो नहीं कर लेते, तब तक जो है हीलिंग का प्रोसेस नहीं घटता है, तब तक जो है दूसरा व्यक्ति को जो है आप हीलिंग नहीं दे पाएंगे। इसलिए हीलिंग का प्रोसेस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है, जो हीलर है, अगर उसकी जो है ऊर्जा मौजूद है, तो हीलिंग जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो सारी प्रॉब्लम ये है और सारी आर्ट ये है कि कैसे आप जो है अपने आप को ज़ीरो बना लें, कैसे आप अपना जो है, कैसे जो है अपने आप को जो है टोटली बीच में से हटा दें, ताकि परमात्मा की ऊर्जा जो है वो आपके थ्रू बह के दूसरे को जो है हील कर सके। इसलिए हीलिंग करने वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ा होता है, और हीलर होना आसान है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है हीलिंग के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में बहुत सारे हीलर्स हैं जो लोगों को हील करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हीलिंग का राइट प्रोसेस क्या है और हीलिंग जो है एक्चुअली में घट कैसे रही है। बहुत लोग जो हैं अपने आप को सोचते हैं कि हमारे कारण जो है हीलिंग हो रही है, और वो ये भूल जाते हैं कि द रियल हीलिंग, जो असली जो हीलिंग है, वो गॉड की तरफ से घट रही है, वो उस परमात्मा की तरफ से घट रही है। आप सिंपली जो है एक सोर्स की तरह जो है, एक मीडियम की तरह जो है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति जो है, जो हीलिंग के साथ आपको जोड़ रहा है, जो आपको दोबारा से उस हीलिंग के सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो आपकी प्रेजेंट डिजीज़ को तो क्योर कर ही सकता है, और आपकी आने वाली बीमारियों को भी जो है प्रिवेंटिव वे से जो है अवॉइड करवा सकता है। ये असली हीलर की पहचान है। इसलिए हीलिंग का एक्सपीरियंस जो है अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। वो अपने आप में कुछ ऐसा है कि जैसे परमात्मा का जो हाथ है वो आपको जो है पूरी तरफ से छू रहा है, और वो आपको जो है आपके घाव, आपके वूंड्स, आपके जो पास्ट में जो चीज़ें जो घटी हैं, जिससे आपको तकलीफ हुई है, उन सबको जो है हटा देता है। तो एक ही ब्लेसिंग का एक्सपीरियंस है, ये एक जो है परमात्मा के साथ होने का एक्सपीरियंस है। तो कुछ बातें हैं जब हम हीलिंग करते हैं, तो एक चीज़ का जो है ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे जैसे कि किसी को जो है सर में दर्द है या पेट में दर्द है, उस जगह पे जब आप जो है हाथ रखते हैं, तो वो हाथ जब आपने रखना है, सबसे पहले तो जब आप हीलिंग के अंदर जब आप नए नए एंटर कर रहे हैं, तब आपने जो है उस व्यक्ति को टच नहीं करना है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी जो डिज़ीज़ है वो आपकी तरफ जो है ट्रांसमिट हो जाए, कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर एंटर कर जाए, तो हीलिंग का सारा पर्पस ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि बीमारी वहाँ से जो है वो आपके भीतर आ गई। इसलिए हर व्यक्ति जो है 6 इंच का ओरा जो है उसका होता है, 6 इंच की जो एनर्जी का जो ओरा है उसके शरीर के आसपास होता है। तो जब आपकी हीलिंग की जर्नी जब शुरू हो रही है, तो आप जो है उसकी एनर्जी बॉडी को टच करते हैं 2 इंच
तक जो है अपना हाथ लेके जाते हैं, लेकिन उसको टच नहीं करते हैं। ये एक बहुत प्रिवेंटिव वे है, आप हीलिंग को जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। और जैसे जैसे जो है आपकी कला जो है निपुण होती है, आप अपने आप को हटाने में सक्षम हो जाते हैं, आप अपने आप को ज़ीरो करने में सक्षम हो जाते हैं, उतने अच्छे ढंग से जो है हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। उस स्थिति में आप जो है उस व्यक्ति को टच भी कर सकते हैं। अब ये जो टच का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा समझने की बात है कि जब आप किसी व्यक्ति को हीलिंग के वक्त जो है टच कर रहे हैं तो जब आप उसको टच करते हैं तब उस स्थिति में जो है आपको जो है एक्सेल करना है, और जितना एक्सेल कर सकते हैं करिए। और उस एक्सेल की स्थिति में जैसे ही आपकी इनहेल की स्थिति बनती है हाथ हटा लीजिए। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अपने हाथ को उस वाउंडेड एरिया के ऊपर एक मिनट से ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो एक रिस्क दोबारा से एक क्रिएट हो जाता है वो बीमारी का आपके भीतर ट्रांसफर्ट होने का, जो कि हमने टोटली अवॉइड करना है। ये कुछ हीलिंग के कुछ जो है एसेंशियल फैक्टर्स हैं, कुछ एसेंशियल बातें हैं जो कि अगर आप जो है ध्यान रखेंगे तो आप अपने खुद की हीलिंग कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हीलिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा है जो कि आप किसी के लिए करते नहीं हैं, आप सिंपली जो है उसको अपनी हीलिंग ऊर्जा के साथ जो सबके साथ जुड़ी हुई है उसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। इसलिए ये बात जो है हीलर्स को भी ध्यान रखनी है कि जब आप किसी के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का जो है आपके प्रति जो है पूरा ट्रस्ट और सरेंडर हो। अगर आप देखें कि उस व्यक्ति का जो है ट्रस्ट और सरेंडर नहीं है तो आप जो है अपनी हीलिंग की एनर्जी को उसके ऊपर मत खर्च करिए, आप उसको जो है हील करने के लिए मत ट्राई करिए, क्योंकि उसके अंदर जो है हीलिंग घटेगी नहीं। हीलिंग अपने आप में जो है एक ट्रस्ट का प्रोसेस है। Only in trust the healing can happen, क्योंकि जो healing है वो जो है वो एक God का process है, वो एक परमात्मा का process है जो आपके through घटता है। और एक बात और ख्याल रखने की है कि जब भी आप किसी को heal करें उसके बाद जो है अपने आप को जो है एक shower के साथ गुजार दें। ये बहुत important है कि जो उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है अगर आपके साथ जो है अगर रह जाती है तो वो disease create कर सकती है। तो इसका बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप जो है शॉवर जो है उस वक्त ले लें। तो हर हीलिंग के बाद जो है ये याद रखिए कि आपको जो है अपने आप को एक शॉवर देना है। और अगर किसी स्थिति में जो है आप शॉवर नहीं ले सकते तो उस स्थिति में जो है ठंडे पानी से जो है अपने हाथ जो है धो लें। उसके बाद जो है अपने शरीर को और अपने हाथों को जो है अच्छी तरह से जो है शेक कर लें, कुछ ऐसे भाव के साथ कि अगर कुछ भी जो है अननेचुरल और कुछ भी आपके साथ कुछ ऐसा चिपका हुआ है जो आप नहीं चाहते हैं, कुछ एक अनवांटेड एनर्जी अगर आपके साथ चिपक गई है तो उसको जो है आपने शेक ऑफ कर देना है। ओशो की एक ध्यान की विधि है कुंडलिनी ध्यान, जो कि एक बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके अंदर जो है हीलिंग क्रिएट कर सकता है बिना किसी की हेल्प से, जिसको हम कुंडलिनी ध्यान कहते हैं। और कुंडलिनी ध्यान के प्रोसेस में जो है व्यक्ति जो है शेकिंग से गुजरता है, अपने आप को पूरी तरह से जो है उसकी बॉडी शेक से गुजरती है, और उस शेकिंग के बाद जो है वो एक नाच की प्रक्रिया से गुजरता है कि अपनी उसकी जो ऊर्जा जो है जैसे भी जो है खिलना चाहती है, मूव करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, उसको हम अलाउ करते हैं। और इस कुंडलिनी ध्यान के आखिरी तल पे हम जो है टोटली अपने आप को रिलैक्स वे से जो है छोड़ देते हैं, एक ध्यान की गहरी निद्रा से गुजर जाते हैं, एक ध्यान की गहरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं। और वो प्रोसेस कुछ ऐसा है जो आपको हीलिंग भी दे देता है और आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी दे जाता है। एक हीलिंग की कैपेसिटी जो है प्रेम की कैपेसिटी है। अगर आपके भीतर जो है प्रेम है, उस प्रेम के कारण जो है आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं, जो भी आपके आसपास जो लोग होते हैं, उस प्रेम की ऊर्जा से आपकी तो हीलिंग होती ही होती है, जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी हीलिंग मिल जाती है एक बहुत एक नेचुरल वे से। और प्रेम की स्थिति में होना अपने आप में एक पॉजिटिविटी की स्टेट में होना है। दैट मीन्स यू आर लिविंग इन द राइट वे, कि आप जीवन को जो है सही ढंग से जी रहे हैं। जब जीवन को सही ढंग से जिया जाएगा तो बड़ा नेचुरल वे से जो है आपके भीतर जो है प्रेम जो है घटेगा, बड़े नेचुरल वे से आपके भीतर जो है हीलिंग घटेगी। जो भी शुभ है आपके जीवन में वो कतार की तरह जो है आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाहर की हीलिंग जो फिजिकल हीलिंग है वो बाहर से जो है आप मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्ली जो है अपने हीलिंग के प्रोसेस से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो गहरी जो हीलिंग है
वो प्रेम से घटती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस प्रेम की ऊर्जा को आप अपने भीतर जो है जगाएं, और ये कैपेसिटी जो है वो सभी के भीतर है, और ये इस कैपेसिटी के कारण जो है आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं हीलिंग के लिए। इन द बिगनिंग, शुरुआत में जो है आप ज़रूर जो है उन व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं जिनके साथ आप प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जो है आपके आपका जो है भीतर ट्रस्ट है, सरेंडर है। उस स्थिति में जो है अगर ये लोग जो है आपकी हेल्प करते हैं, दोबारा से आपके उस हीलिंग के प्रोसेस को दोबारा से आपको रिकनेक्ट कर दें, तो वो बहुत सुंदर है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हीलिंग का जो है आपको अपने भीतर जो है खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो लोग जो हैं हीलिंग से जो है बहुत लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। कोई कहता है कि इस व्यक्ति ने जो है जब उसको टच करा तो उसकी आंखें वापस आ गई, जब इस व्यक्ति ने इसको टच करा तो वो जो है दोबारा से चलने लगा। ये जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स की बात है जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। तो उनके जीवन में एक स्टोरी है जहाँ पर जो है एक अफवाह सी फैल गई थी कि जीसस क्राइस्ट जो हैं जिसको भी टच कर देते हैं वो हील हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ लगा के उनके पास यही एक्सपेक्टेशन के साथ आते थे कि उनको हील कर दिया जाए। लेकिन जीसस का पर्पस ये था कि आपको जो है परमात्मा का रास्ता दिखा सके। जो हीलिंग की जो बात थी वो ऊपर ऊपर की थी, पर्पस यही था कि आप जो है कैसे जो है उस मार्ग पे चल सकें, कैसे जो है आप उस परमात्मा के साथ जुड़ सकें जहाँ पे आपकी रियल हीलिंग जो है आपके साथ घट सके। तो ऐसे ही एक भीड़ में जो है जीसस क्राइस्ट जो है गुजरते थे, तो एक औरत ने पीछे से जो है उनको टच कर दिया, और टच करते ही उस स्त्री का जो घाव था वो जैसे ठीक हो गया एकदम से। उसने चिल्ला चिल्ला के जो है बोलना शुरू कर दिया कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे हील कर दिया, जीसस क्राइस्ट ने मुझे हील कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने जो है मुड़ के देखा उस स्त्री को और उसको बोला कि मैंने तुझे हील नहीं किया, तेरी खुद की जो ट्रस्ट की जो शक्ति है, जो तेरी सरेंडर की जो शक्ति है, उसके कारण तू हील हुई। जीसस क्राइस्ट ने कभी भी दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी को हील किया है, उन्होंने हमेशा कहा कि गॉड हैज हील्ड यू। इसलिए जीसस क्राइस्ट की छोटी सी जो हीलिंग की जो स्टोरी है वो आपको इस यही रिमाइंड कराने के लिए है कि हीलिंग का जो प्रोसेस है वो आपके भीतर जो है खुद घटता है। आपके भीतर जो है खुद एक परमात्मा बैठा हुआ है, खुद जो है आपके भीतर एक कैपेसिटी है जीसस क्राइस्ट होने की, बुद्धा होने की, महावीर होने की, कृष्ण होने की, ये सब पॉसिबिलिटीज आपके अंदर बैठी हुई हैं। लेकिन अभी वो एक सीड फॉर्म में है, लेकिन आप जब इस सीड को जो है जब आप इसको पानी देना शुरू करते हैं, धूप देना शुरू करते हैं, अपना प्रेम देना शुरू करते हैं, तो ये ग्रो करना शुरू करता है। ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो वृक्ष है आपके भीतर वो जो है ग्रो करना शुरू कर देता है, और आपकी जो असली पोटेंशियल है जो आप हो सकते हैं वो फाइनली जो है वो घटनी शुरू होती है। सो ओपन योर आर्म्स एंड सरेंडर योर सेल्फ, एंड इन दैट सरेंडर एंड इन दैट लव द हीलिंग विल हैपन। तो इस एपिसोड का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।